नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल प्रथम सुख निरोगी काया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया विषय लेकर आई हूँ। आइए आज के हमारे नए विषय के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। आज का हमारा विषय बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए बहुत फ़ायदेमंद पहुँचाने वाला है। आज दे आप लोगों को पता ही है कि सर्दियों का मौसम आ रहा है और सर्दियों के मौसम में लगातार कुछ न कुछ बीमारियां हमारे बच्चों में, हमारे बुज़ुर्गों में लगी ही रहती है। तो आज का हमारा विषय है सर्दियों से स्वस्थ रहने के उपाय। सर्दियों में स्वस्थ रहने के उपाय क्या क्या हैं उनके बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा टॉपिक पर ध्यान देते हैं। अक्सर ठंड के दिनों में सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रभावित होता है तो वो हमारे बच्चे और हमारे बुज़ुर्ग होते हैं। बच्चों को ठंड लगने पर प्रतिशय सर्दी, खांसी, ज्वर, निमोनिया की शिकायत होती है, तो हमारे बुज़ुर्गों में ज़्यादा ठंड में यह तकलीफ रहती है कि उनके जोड़ों में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द होता है, उनकी गठिया का रोग या अर्थाइटिस कहते हैं उसे, या उनके दमा, सांस फूलना, हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ होती हैं। आइए इन रोगों से बचने के लिए आयुर्वेदिक उपचार कितने प्रभावी होते हैं ये भी जान लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नुस्खे जो मैंने अपनी आयुर्वेद से जाने हैं और इन्हें आजमाकर हमने बहुत से मरीजों पर आजमाकर इनसे निजात पाई है उनके बारे में जान लेते हैं। बच्चों के रोग, बच्चों में अधिकतर खांसी, सांस, निमोनिया का शिकायत लगी रहती है, उनके लिए जो आपको टिप्स आजमाने हैं वे हैं इस प्रकार। टिप्स नंबर 1, अदरक का रस लें, उसमें तुलसी का रस मिलाएं, थोड़ा सा शहद मिलाकर प्रतिदिन सुबह और शाम देने से बच्चों में बहुत राहत मिलती है। यह मात्रा थोड़ी और कम बच्चे की उम्र के हिसाब से कर सकते हैं और यह 5 से लेकर 15 वर्ष के बच्चे को ही दें। टिप्स नंबर 2, उन्हें छाछ, दही, बटर, घी या चटनी किसी तरह की चीज़ों का प्रयोग न कराएं, तभी यह काढ़ा फायदेमंद होता है। टिप्स नंबर 3, निमोनिया होने पर, सांस में तकलीफ होने पर बच्चे की छाती पर सरसों के तेल में थोड़ा सेंधा नमक मिलाएं, उसे थोड़ा गर्म करें और उसके सीने और पीठ पर उस तेल की मालिश करने से सीने के दर्द में बहुत राहत मिलती है। टिप्स नंबर 4, 1 चम्मच हल्दी पाउडर को 1 गिलास दूध में पकाएं, उसमें थोड़ा गुड़ भी डालें और इस दूध का सेवन करने से खांसी व श्वास रोग में तत्काल राहत मिलती है। टिप्स नंबर 5, कालाबासा या फिर अड़ूसे के पत्तों का रस, उसमें थोड़ा सा तुलसी का रस मिलाकर खांसी वाले रोगियों को पिलाने से सर्दियों में जो बीमारी होती है यानी कि सांस फूलना या फिर खांसी में राहत मिलती है। टिप्स नंबर 6, सर्दियों में बुज़ुर्गों को आमवत, अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द की बहुत परेशानी रहती है, उन्हें भी यह उपचार करना चाहिए। धन्यवाद।